भारतीय उपमहाद्वीपों का यह बाह्य उपासना मंदिर दुनिया के विभिन्न भागों में खड़े 8 मंदिरों में सबसे नया है। इसमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट बनावट है। प्रत्येक सभी धर्मों और नस्लों के लोगों को ब्रह्मांड के रचयिता की उपासना के लिए और ईश्वर तथा मनुष्य के बीच के प्रेम को दर्शाने के लिए आमंत्रित करता है। नई दिल्ली के बाह्य उपासना मंदिर के शिल्प की प्रेरणा कमल के फूल से मिलती है, जो कि एक अत्यंत सुंदर फूल है और ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जो भारत के धर्मों और उपासना से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। भाई उपासना मंदिर पानी के 9 बाड़े तालाबों के घिरे हुए हैं, जो न केवल भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं अपितु प्रार्थना हॉल को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में भी सहायता करते हैं। मुख्य भवन से लगा हुआ एक सहायक भवन है जिसमें कार्यालय, पुस्तकालय, सभा भवन और तालाब के किनारे की प्रदर्शनी है। भाई उपासना मंदिरों की सामान्य विशेषता यह है कि इनके 9 किनारे होते हैं। 9 सबसे बड़ा अंक है और यह व्यापकता, एकमेवता और एकता का प्रतीक है। उपासना मंदिर के भीतर केवल बाह्य धर्म के और पूर्व के अवतारों द्वारा दिए गए पवित्र लेखों को पढ़ा गया है या पढ़ा जाता है। बाकी के समय में शांतिपूर्वक प्रार्थना और ध्यान के लिए सभी का स्वागत किया जाता है। प्रार्थना हॉल में किसी भी तरह के प्रवचन या भाषण की अनुमति नहीं होती है और ना ही आपको बात करने की अनुमति होती है। द बाई हाउस ऑफ वर्शिप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट ऑफ 8 एडिफाइस रेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ईच विथ इट्स डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन, ईच इन्वाइटिंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस एंड रेस टू वर्शिप द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड टू एक्सप्रेस द लव बिटवीन द गॉड एंड द मैन। The design of the Bahi's House of Worship in New Delhi is inspired by the lotus, the beautiful flower and symbol of purity that is inseparably associated with worship and religion in India. The House of Worship is surrounded by 9 large pools of water that not only enhance the beauty of the building but also play a significant role in the natural cooling system of the prayer hall. An adjacent of the main building is its ancillary building, which houses office, a conference hall, a library and poolside exhibition. Baha'u'llah says, God grant that the light of the unity may envelop the whole earth and that the seal, the kingdom is the God, may be stamped upon the brow of all its people. The common characteristics of Bahá'í's house of worship is that they are all 9-sided. 9 is the highest digit and symbolizes comprehensiveness, oneness and unity. Within the portal of the house of worship, only the holy scriptures and the Bahá'í's faith and earlier revelations are read and recited. At the other times, all are welcome to meditate and pray in silence. No lectures or any ceremonies are. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।